नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साई चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है हिंदी से काल पढ़ेंगे। तो काल हमारा टॉपिक है, इसे हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं। जैसे आप लोग सुनते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये तीन मुख्य रूप से काल होते हैं। आप लोग इंग्लिश वगैरह में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसी के प्रकार हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उस प्रकार के अंतर्गत जो एग्जाम्पल होंगे वो पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से आप आइडिया लगा लेंगे कि हमारा जो प्रश्न है वो किस तरह से आएगा और कैसे हमको सही आंसर चूज करना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। काल बेसिकली पहले होता क्या है सभी लोग जानते हैं, फिर भी बताऊंगा कि यहाँ पर क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता अवस्था का बोध होता है कि कोई कार्य पूर्ण हुआ है या वो फिर अपूर्ण है या उसका क्या समय है। इन तीनों चीज़ों का बोध होता है। समझ लीजिए क्या क्या चीज़ों का बोध होता है। कोई कार्य हो रहा है, उस कार्य में कितना समय लग, क्या समय है उसका, उस काम के होने का समय क्या है, पिछला है, अगला है, वर्तमान है, ये पता चलता है। दूसरी चीज़ क्या पता चलती है कि कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है कि अभी चल रहा है कि अभी आधा अधूरा है, अपूर्ण है। तो इतनी चीज़ों का आइडिया हम काल से ही लगा सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस का आप काल समझते हैं तो आप इतनी चीज़ों का आइडिया लगा लेंगे। किसी भी सेंटेंस से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस काम में क्या पूर्णता हो रही है, क्या अपूर्णता हो रही है, क्या काम पूरा हुआ है, क्या काम पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। काल के तीन भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ है जब हम इसके प्रकार पढ़ना शुरू करेंगे कि काल के जो काल के अंतर्गत जो हम लोग वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल पढ़ रहे हैं, इसके जो प्रकार है वो आपके लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान काल, आइए वर्तमान काल में। वर्तमान काल क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता का बोध हो जाए। तो निरंतरता का बोध मतलब काम का मतलब कि वर्तमान में है, उसमें किसी भूत का या भविष्य का हमको अंदाज़ा नहीं लग रहा है। मतलब निरंतरता, काम अभी वर्तमान में जस्ट हो रहा है या जस्ट भी हम उस काम को करके हटे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, उससे क्या पता चल रहा है हमको कि वो वर्तमान काल में है। अब वर्तमान काल में पैछम प्रश्न क्या है, ये भी ध्यान से सुने कि वर्तमान काल में पूछ लिया कि वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं। तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए, पांच प्रकार के हैं। मतलब पांच भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, इसको तो याद ही रखिए। फिर तात्कालिक वर्तमान, फिर पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। अब कन्फ्यूजन कहाँ होगा, वो होगा तत्कालिक वाले में, संदिग्ध और संभाव्य में कन्फ्यूजन होगा। तत्कालिक, संदिग्ध और संभाव्य अगर आप अच्छे समझ रहे हैं तो बाकी तो भूत वर्तमान काल के बारे में आप समझ जाएंगे। अब जब सामान्य वर्तमान में जब हम आते हैं तो क्या उदाहरण हमको देखने को मिलता है जिसमें ता है, ती है, ते है आ जाए। समझ लीजिए वो सामान्य वर्तमान में। एग्जाम्पल तो हमें देखिए, वह आता है, वह देखता है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि तुरंत जो कार्य अभी जस्ट है उसका हमको बोध हो जा रहा है, उस काम की निरंतरता जो अभी जस्ट चल रहा है, ठीक है ना, उसका हमको पता चल रहा है। तो वो सामान्य वर्तमान में जब वह आता है, वह खाता है। अब तत्कालिक में क्या होता है, तत्कालिक वर्तमान वो होते हैं तत्कालिक जिसमें क्या होता है कि काम चल रहा है लेकिन कब समाप्त तो ये होगा इसका हमको कोई आइडिया नहीं है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो कब तक पढ़ते रहो कोई आइडिया नहीं है। वह जा रहा है, कब तक जाएगा, जाता रहेगा, कोई आइडिया नहीं है। ना भूत का पता है ना भविष्य का पता, बस काम कंटिन्यू चल रहा है। तो काम कंटिन्यू चल रहा है तो वो क्या जाएगा, वो तत्कालिक वर्तमान में। अब पूर्ण वर्तमान में है, ये पूर्ण वर्तमान में क्या होता है कि काम जस्ट हो चुका, जस्ट हुआ है, अभी हो चुका था में नहीं जाएंगे हम लोग, जस्ट काम अभी हुआ है। जैसे वह आया है मेरे सामने, कोई व्यक्ति आया, वह आया है, हमने कह दिया। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, हमसे किसी ने कहा तो हमने कहा लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। तो ये वर्तमान में, ये तो मैंने कह रहा हूँ कि वो उसने लड़के ने पुस्तक पढ़ी थी तो नहीं कहा, है। एक तो है लग रहा है, सैडी लग जा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, पूर्ण वर्तमान। काम पूरा हो चुका है मतलब पूर्णता का बोध हो जाए। जिस वर्तमान काल में पूर्णता का बोध हो जाए, किसी कार्य की पूर्णता का बोध हो जाए, मतलब कंप्लीट है वो,
जैसे जब मैं ऊपर उदाहरण बता रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये पूर्णता तो नहीं कह रहा, ये तो अपूर्ण वर्तमान हम कह सकते हैं, क्योंकि काम स्टार्ट है, चल रहा है, लेकिन कब तक काम समाप्त होगा ये हमको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, लेकिन जैसे पूर्ण वर्तमान मतलब काम कंप्लीट हो गया है, तो वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। अब आता है संदिग्ध, जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट, संदिग्ध में आइडिया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा होगा, होगा सब ज्यादा देखिए, क्या कर रहा होगा हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो कर रहा होगा जो कि वर्तमान में चल रहा है। क्या चल रहा है? राम खाता होगा, तो राम खाता होगा, लेकिन हम क्या है, हम संदिग्ध हैं, हमको पता आइडिया नहीं है, ऐसा मुझे पहले पता चला था कि वो खाता होगा। वह पढ़ता होगा, हम बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते, हम संदिग्ध हैं, वह खाता होगा, वह पढ़ता होगा। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान में संभावना व्यक्त कर रहे हैं। अब संभावना क्या है? अब देखिए संदिग्ध संभाव्य में क्या कन्फ्यूजन होगा, इसमें ता और होगा, राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, वह जाता होगा, संदिग्ध है। संभाव में संभावना, वह आया हो, संभावना है, संभाव मतलब संभावना है कि संभव है कि वह आया हो, आया हो, लौटा हो, आया हो, तो इसमें हो सब ज्यादा देखिएगा, हो अगर हो और हो लगा है कहीं, तो आप समझ लीजिएगा वो संभाव्य वर्तमान है। इस तरह थोड़ा सा मेमोराइज भी करें, समझे भी, तो संभाव्य है, संभव है, भाई वो आया हो, वो पढ़ा हो, वो खाया हो, लेकिन जैसे खाया होगा मैंने बोल दिया तो वो संदिग्ध में चला गया, कहाँ चला गया? संदिग्ध में। तो यह देखेंगे, अब आते हैं भूतकाल में, भूतकाल में जब हम आएंगे, अब देखिए यहाँ पर ये याद रखिएगा कि भाई सामान्य वर्तमान तो है, ठीक है, तत्कालिक वर्तमान है जिसको अपूर्ण वर्तमान कह सकते हैं, पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध है, संभाव्य है, याद रखिएगा। भूतकाल में आएंगे, क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, जाहिर सी बात है कोई भी कार्य है वो समाप्त हो चुका है, अब उसमें ये देखना है कि समाप्त काम कितनी देर पहले हुआ है, काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, या काम समाप्त चल रहा था लेकिन अभी समाप्त हुआ नहीं, लेकिन समाप्त हुआ होगा, ठीक है ना। अब उसको सेंटेंस में किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे देखेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल देखते हैं, लड़का आया था, अब देखिए था लग गया, वह खा चुका था, मैं गया, तो इस तरह के मतलब कि भूतकाल का हमको बोध हो जाए कि काम पहले ही हो चुका है, ठीक, हो चुका, अगर हो चुका बोल दिए तो आपका वर्तमान में नहीं, मतलब हो चुका था में चला गया वो भूतकाल। अब जैसे जब वर्तमान पढ़ रहे तो पांच भेद पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे भूतकाल आएंगे तो भूतकाल के हो जाएंगे छः भेद, याद कर लीजिए भूतकाल कितने भेद भेद है, छः भेद, कौन कौन से, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, हेतु हेतु, मद भूत। अब देखिए सामान्य भूत में, सामान्य भूत सामान्य सा बात कही जाएगी, जैसे मोहन आया, सीता गई, तो काम तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, सीता गई मतलब राम आया, ये भी भूत में चला गया, ये सामान्य भूत है। देखिए आसन्न भूत देखिए क्या है, मैंने आम खाया नहीं, मैंने खाम खाया है, मैं चला हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आम खाता हूँ लिखा होता तब खाता हूँ मैं वर्तमान में चला जाता, ता है ती है, लेकिन इसने लिखा मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ, ठीक है ना, तो ये भूतकाल का बोध है, मेरा आसन्न भूत है। ये पूर्ण भूत क्या होता है, जिसमें क्या काम का जो भी है वो पूर्णता का बोध हो जाए कि भाई काम हो चुका है, अब कुछ बचा उचा नहीं है। मैंने अगर देखे उसने मुरारी को मारा था, बिल्कुल क्लियर है, उसने मुरारी को मारा था, कोई इसमें त्रुटि नहीं है, कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो छुपी है, उसने मुरारी को मारा था, ये पूर्ण है, इसमें कुछ सेंटेंस में जोड़ना घटाना नहीं है, ठीक है। वह आया था, क्लियर है कि वह आया था, ठीक है। अब आते हैं अपूर्ण भूत, तो अपूर्ण भूत क्या होता है, भाई काम हो रहा था लेकिन काम समाप्त हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं, ठीक है ना। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, तो सुरेश गीत गा तो रहा था लेकिन उसने कब उसकी गाना बंद कर दिया ये मुझे पता नहीं। गीता सो रही थी मुझे पता है, ये भूतकाल है, गीता सो रही थी, लेकिन वो कब जगी ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। ये चीज़ है संदिग्ध में क्या होता है, तुमने गाया होगा, अब देखो होगा,
अब देखो होगा जहाँ लगा वहाँ तो संदिग्ध है, चाहे यहाँ या वहाँ हो, लेकिन जब हम वर्तमान में देख रहे थे संदिग्ध, तो वो ता होगा, मतलब ता के साथ होगा लगा है, लेकिन ये क्या है, गाया होगा, तू गाया होगा, तुमने गाया होगा, तुमने खाया होगा, तुमने सोया होगा, वह सोता होगा, अगर मैंने बोल दिया तब वो संदिग्ध वर्तमान में चला जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए हेतु, हेतु मद्भूत क्या होता है, हेतु तो मजबूत वो होता है कि भूतकाल में कोई काम होता लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाया, तो यह देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं आता, अब मैं आता लेकिन मैं किसी कारण से नहीं आ पाया भाई, मैं कह रहा हूँ वो तू जाता मगर किसी कारण से नहीं गया, वो खाता तो भूतकाल है लेकिन किसी कारण से नहीं खा पाया, तो हेतु हेतु मजबूत बोल रहे हैं कि वो भूतकाल का काम था लेकिन किसी कारण से हो नहीं पाया वो, ठीक है, उसे बोलते हैं हेतु हेतु मद भूत। भविष्य काल देखते हैं, भविष्य में होने वाली क्रिया, मतलब अब फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, इसमें दो, इसमें कितने भेद, तीन भेद, डायरेक्ट कितने भेद हो गए, तीन भेद कम हो गए, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। अब देखते हैं उदाहरण, सामान्य भविष्य में क्या होता है, वह कल घर जाएगा, ये तो सामान्य है, वह कल घर जाएगा, वह कल पढ़ेगा, वह कल खाएगा, बस मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, सामान्य सा है। संभाव्य में तो संभव सब जुड़ गया, संभव है रमेश कल आया, तो जहाँ पे सब जुड़ जाए संभव है कि रमेश कल आया। अब देखिए आया में तो जैसे भूतकाल में, लेकिन संभवता के साथ, संभावना के साथ आप भूत में गए हैं, ये भविष्य की बात है कि संभव वो आया, मतलब हम भविष्य की चीज़ बता रहे हैं, संभव वो आया, मुझे नहीं क्लियर है, संभव वो आया, लेकिन जब संभव वो आया तो जब आप बोल रहे हैं तो पीछे जाके भविष्य की बात बता रहे हैं ना, संभव वो आया, संभव खाया, तो ये चीज़ है। मगर जब हेतु है तो भविष्य में जब हम आते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, एक दो सेंटेंस रहेंगे और दोनों अगला सेंटेंस पिछले सेंटेंस पर डिपेंडेंस रहेगा, जैसे वह आए तो मैं जाऊँ, वह आए तो मैं जाऊँ, तो किसी का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तब भविष्य की बात है कि मैं चला जाऊं, तो वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए, मगर जब वह कमाएगा तो क्या खाएगा, खाएगा तो भविष्य की बात है ना, मगर पहले से क्या कहना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, तो वह कमाए तो खाए, फिर वह आए तो जाए, अगर उसे जाना तो है वो भविष्य की बात है, लेकिन पहले किसी का इंतजार कर रहा है वह आ जाए तब जाए, मतलब किसी का भविष्य जो है किसी दूसरे सेंटेंस पर या किसी दूसरी क्रिया पर डिपेंडेंट है, तो दूसरी क्रिया क्या, वह आए तो मैं जाऊँ, वह कमाए तो खाए। तो अब देख लीजिए यहाँ पर समझना क्या है कि हेतु हेतु मद भविष्य जो है वो आपका किसके अंदर आ रहा, दो जगह पे आ रहा है, हेतु हेतु मद भविष्य भविष्य काल में आ रहा है, और हेतु हेतु मद भूत जो कि भूतकाल में आ रहा है, मतलब हेतु हेतु वाले दो जगह आ रहे हैं, वर्तमान में इस तरह का कोई प्रकार नहीं है। तो याद क्या रखना है कि वर्तमान के पांच भेद, भूतकाल के छह भेद, भविष्य काल के तीन भेद, और सभी भेद होते क्या है, उसके अंदर उदाहरण कौन कौन से हैं वो याद रखना है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो मैंने बता दिया, फिर से हल्का सा बताता हूँ कि जैसे ता होगा ती हो गए लिख के आया तो समझ लीजिए होगा, होगा भी लगा ता लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो संदिग्ध है, जहाँ या होगा गाया होगा खाया होगा पिया होगा तो वहाँ समझ लीजिए संदिग्ध है लेकिन भूत है, संदिग्ध अगर वर्तमान में जा रहे हैं तो उसमें लिखा जाएगा ता होगा, अगर संभाव्य वर्तमान में है तो आया हो लौटा हो अगर इस तरह से तो हमारा संभाव्य में हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि जो वर्तमान के जितने भी मैंने काल के प्रकार मैंने आप लोग को पूरे बता दिए, तो काल में जो आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है वो बता दिया कि काल जब पढ़ रहे हों तो ये चीज़ ध्यान दे कि प्रकार हमको जरूर याद रखना है, वो प्रकार का कौन कौन से हैं उसके उदाहरण क्या है ये जरूर याद रखिए, वरना गड़बड़ कर देंगे परीक्षा में, ठीक है ना, प्रकार जरूर याद रखें, प्रकार के अंदर कौन उदाहरण यही परीक्षा में प्रश्न आएगा, ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितने भैया बताइए वर्तमान काल का उदाहरण बताइए कि कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है कौन सा भूतकाल, यहाँ तो पूछेगा ही नहीं, हेतु हेतु भविष्य का एक उदाहरण दे देगा, एक संभाव्य का दे देगा, हो सकता है कि संदिग्ध भूत का दे दे या पूर्ण भूत का दे दे, तो आपको बताना पड़ेगा ये पूर्ण भूत का उदाहरण है कि पूर्ण भूत का उदाहरण है कि तत्कालिक वर्तमान है कि सामान्य वर्तमान है, ये आपको बताना पड़ेगा।
तो ये चीज़ याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपको, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।